तो गाइस अभी अभी हम अपने घर पर पहुंचे हैं, क्या करके, रात को आवारा गर्दी करके हैं। क्या बोला रही, कैसा लग रहा है आपको मेरे को जिम जाते हुए देखकर? अच्छा लग रहा है, अभी फर्क नहीं दिख रहा तो मैं नहीं, फर्क तो देखो, फर्क की बात नहीं कह रहा मैं, मतलब ऐसा है कि एक जगह बैठ जाओ ना, जब उठने की बारी है तो उठते समय ना ऐसी हालत खराब हो रही है ना, मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा है, एक्सरसाइज करने की भी हिम्मत नहीं है, तो मैं चला गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने सोची थी सुबह जल्दी जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, अपने चने वगैरह खाऊंगा, लेकिन मैं उठा हूँ सुबह 1 बजे। क्यों? क्योंकि रात को जल्दी सोया नहीं, आदत नहीं है क्योंकि, और ऊपर से हम कम से कम लगातार 6 घंटे तक खेलते भी रहे थे, इसलिए शरीर को इतनी थकान हो गई, उठा ही नहीं गया, पता ही नहीं चला टाइम का, इसलिए भाई अभी चने खा रहा हूँ मैं। खैर रात को उन्हें भिगो के सोया था, लेकिन कोई नहीं, अभी शेड्यूल ठीक नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज कोशिश करूंगा कि रात को जल्दी सो जाऊँ, कभी तो ठीक होगा शेड्यूल, रोज कोशिश करूंगा। तो बाकी डेली व्लॉगिंग तो रोज चलेगी, अब तक मेरा व्लॉग आया नहीं होगा, अभी 2 बज रहा है, 4 बजे तक आया, क्योंकि अभी मैं उठाऊँ और अब एडिट करूंगा। चलो यार जब तक चने खा लेते हैं। तो गाइस ये देखो, यहाँ जमीन पे रेंग रही है छिपकली। तो गाइस ये देखो अभी हो रहा है भाई व्लॉग रेंडर, ये व्लॉग जैसे रेंडर होगा फिर इसे अपलोड करूंगा, बहुत लेट हो गया यार, 4 बज गए। और भाई अभी तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब टाइमिंग क्या रखूँ व्लॉग अपलोड करने की, एक टाइमिंग फिक्स करूंगा, अगर आपके दिमाग में कोई टाइमिंग हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी भाई अभी मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ, पराठे आलू की सब्जी और प्याज। तो गाइस अभी अभी हम अपने घर पर पहुंचे हैं, क्या करके, रात को आवारा गर्दी करके। क्या बोला रही, हम आवारा गर्दी करके तो आ रहे हैं, आवारा गर्दी नहीं करते, गेड़िया मार के। यस गेड़िया बोलो, ये गेड़िया का मतलब क्या है, गेड़िया क्या है, मतलब जैसे खाने में रबड़ियां होती है वैसे घूमने में गेड़िया होती है। यार आप तो राइमिंग कर रहे हो, गेड़िया का मतलब तो होगा कि गेड़िया मार रहे हैं, आवारा गर्दी भी तो सेम ही होती है। इतना डीपली मत जा, खुद बिगड़ा हुआ और लोगों को मत बिगाड़। मैं बिगड़ा हुआ सुधर चुका हूँ, मैं पॉइंट पे सुधर चुका हूँ, मैं जिम गया था, जिम भाई को गुस्सा बढ़ जाता है, रात हो रही है भाई, और भी लोग रहते हैं सोसाइटी में, अब हम गली मोहल्ले में यार एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना यार। ठीक है, जिम गया था गाइस आज मैं, चले अब चलते हैं। अब ये बताओ कैसा लग रहा है आपको मेरे को जिम जाते हुए देखकर? अच्छा लग रहा है, अभी फर्क नहीं दिख रहा तो मैं, नहीं फर्क तो देखो, फर्क की बात नहीं कह रहा मैं जो अपना डेली रूटीन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर भी चुका हूँ, जो सुबह सुबह मैं चीजें भी खा रहा हूँ, उसके बारे में आपको क्या कहना है? अच्छा कर रहे हो, ऐसी मेहनत करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, ठीक है, कर दी भाई लड्डो पार्क, चले ऊपर, अब क्या कर रहे हो? राम राम, चले भाई ऊपर, अब रात को गाड़ी में सोने का प्लान है क्या आपका? सो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 5, मैं जगा हूँ, रचित भी अभी तक जगे हुए हैं, बाकी सब सो गए हैं, और ये पीछे देखो अभी व्लॉग रेंडर हो रहा है, और भाई अब जाके मैं सोने जा रहा हूँ यार, अभी पता है गाइस स्लीप साइकिल ना बिल्कुल भी मतलब सेट नहीं हो पाई है, तो यार जिम विम को मुझे समझ नहीं आ रहा, सुबह के टाइम कैसे जाऊँ, मैं कोशिश करूंगा कि शाम के टाइम चले जाऊँ, अगर सुबह नहीं जा पा रहा तो क्या हुआ, शाम को चला जाऊँ। आज मैं दिन में तो जिम गया था लेकिन मैंने वहां का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पता क्या हुआ, पहले मैं वहां गया तो यार वहां पे ना एक दो बंदे भी थे, तो यार मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था वहां पे वीडियो बनाना, वो मतलब ऐसे ना सोचे कि ये जिम में आया वहां पे वीडियो बना रहा, और थोड़ी सी झिझक भी थी, क्या है ना यार अभी नया नया स्टार्ट किया है समझ रहे हो, तो थोड़ा सा यार होता है अंदर से, इसलिए मैंने वहां कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया यार, अभी ना मैंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं था, थोड़ा बहुत वार्म अप वगैरह किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करी, हल्की फुल्की डिप्स वगैरह करने की कोशिश करी, बट हो नहीं पाई, बताऊं क्यों? क्योंकि यार उससे पहले ना मतलब यहाँ पे बहुत खेले हैं बहुत घंटों तक, तो मैं रचित भैया विनय भैया खेल रहे थे ना, हम सबका पूरा शरीर की हालत खराब हो रखी है, मेरे पैर से लेके मेरे सर तक मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मतलब ऐसा है कि एक जगह बैठ जाओ ना, जब उठने की बारी है तो उठते समय ना ऐसी हालत खराब हो रही है ना, मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा है, एक्सरसाइज करने की भी हिम्मत नहीं है, तो मैं चला गया, कुछ हिम्मत नहीं है भाई अभी मेरे को, नहीं लगता मैं एक दो दिन कुछ जिम विम कर पाऊंगा, लेकिन कोई नहीं, अपना डाइट वगैरह तो कंटिन्यू करे। और भाई रही शेक की बात, यार मैं बनाना शेक भी नहीं बना पा रहा हूँ, बताऊँ क्यों? जो बंदा हमारे यहाँ दूध लेकर आता है ना, यहाँ पे देखो आपको भी पता है कि कोई नॉर्मल केले की शॉप वगैरह है नहीं, मैं सोचा कि वो बंदा ले आएगा जो दूध लेकर आता है, केले भी ले आएगा, तो मैंने उस बंदे से पर्सनली पूछा भाई केले भी ले आओगे क्या, मिलते हैं यहाँ पे, तो भाई उस बंदे ने मना कर दिया कि भाई नहीं यार केले नहीं होते, मेरे को इस बात की टेंशन हो गई, अब शेक का क्या करूँ, अब मैं एक काम करूंगा, कल सुबह उठने के बाद विनय भैया के साथ जाऊंगा और बाहर से केले लेकर आऊंगा, बाकी भाई सुबुदी की वीडियो की एडिटिंग भी कंटिन्यू है, चालू है, जल्दी उनकी वीडियो भी आने वाली है, अभी आधी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आधी रहती है, उसके बाद दीदी वीडियो फाइनल करेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी गाइज। और बाकी गाइज आई नो कि ये व्लॉग यार थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, क्योंकि यार आपको पता ही है कि मैं सुबह उठा ही 1 बजे था,
और भाई फिर हम दिन में फिर वहाँ गेम वगैरह खेलने चले गए थे, तो फिर वहाँ पे तो कुछ व्लॉग बना नहीं पाया। और उसके बाद आया फिर मैं एडिटिंग पे बैठ गया, फिर यार क्या ही व्लॉग बनाता, कुछ था ही नहीं करने को। और रात को फिर मैंने भैया के साथ गेड़ी मारने गया। अब भाई हालत बहुत खराब है पूरे शरीर की। जिम तो यार एक दो दिन तो यार जिम नहीं हो पाएगी यार, उसके लिए यार शरीर तो ठीक हो, पूरे शरीर की हालत खराब हो रखी है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। जांगे वांगे मतलब उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, चलने में भी दिक्कत हो रही है, तो एक्सरसाइज तो क्या ही होगी। लेकिन कोई नहीं, अपना खान पीन पे अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे अच्छा पियेंगे और बढ़िया एकदम। और यार मैं डार्क सर्कल का भी कुछ करने वाला हूँ, मुझे बहुत सी चीजें पता चली हैं इस डार्क सर्कलों के बारे में कि कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसको ठीक करेंगे गाइस, सब कुछ ठीक करेंगे यार, अपना पूरा शरीर ठीक कर देंगे, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे कभी किसी ने सोची नहीं होगी, इतने बढ़िया बन जाएंगे। अभी भी खैर इतना बेकार भी नहीं लगता हूँ, सब बढ़िया हो जाएगा गाइस, मेहनत करेंगे हर चीज में। बाकी आप तो मुझे सपोर्ट कर ही रहे हो, बाकी अभी तो यार हमारे साथ और बंदे भी जुड़ेंगे, अभी तो 7,000 लोग जुड़े हैं, आगे 10,000 भी जुड़ेंगे, 20,000 भी जुड़ेंगे, कब 1 लाख जुड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसी दिन का इंतजार है गाइस मुझे 1 लाख का, जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना भाई कुछ यूनिक करूंगा, सोच रखी है मैंने, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए ना ऐसा कुछ करूंगा बढ़िया एकदम। चलो यार इस लोग को यहीं पे एंड कर देते हैं अब, ठीक है। अब रात हो गई है, रात क्या हो गई, सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह फिर टाइम से उठना भी है, फिर अपना भाई चने वगैरह और बादाम वगैरह जो भी हुए वो खाने भी है, शेक वगैरह का भी, केले वगैरह का भी जुगाड़ करना है, वीडियो की एडिटिंग पे भी बैठना है यार, बहुत चीजें है भाई, बहुत बिजी लाइफ है अपनी, बहुत बिजी। ठीक है गाइस गुड नाइट, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।